कोई डिज़ाइन पसंद करते हैं, तो आप हमें आज के उस डिज़ाइन से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें। आज मैं आपके लिए ख़वातीन के फैशन की में से बाज़ टुकड़े बारमासी कलास्की के तौर पर पेश करूंगा, जो देर पा खूबसूरती और नफासत को मुजस्सम करने के लिए आर्जी रुझानात से बालातर होते हैं। छोटा सा स्या लिबास आप हमारे चैनल की तरफ से जो आपके पास सामने पेश कर रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। अलमारी एक अहम हिस्सा बनी हुई है जो आसानी से लवाजमात की एक सादा तब्दीली के साथ दिन के वक़्त वज़ादार से शाम की रग़बत में तब्दील होती है। टेरल ब्लेज़र, कुरकुरा सफ़ेद कमीज़ें और अच्छी तरह से लेस डिनम जीन्स यकसा तौर पर नागुज़ेर हैं, जो इस बुनियाद के तौर पर काम करते हैं जिस पर वर्सटाइल जोड़े बनाए जाते हैं। ये लाजवाल क्लास की चीज़ें अलमारी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जो बग़ैर किसी आसानी और गैर मामूली ग्लैमर के लाइंतनाही मौके पेश करते हैं। फैशन एक मुतहर्रिक है जो मुसलसल जिद्दत तख्लीकी सलाहियतों और सकाफ़ती असरात के धागों से बुनी जाती है। पेरिस के रन में से लेकर टोक्यो की सड़कों तक असरी रुझानात के उभरते हैं, जो जेंडजेस्ट को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और ज़माने की रूह की अक्कासी करते हैं। हालिया बरसों में एथलेटिक्स के अरूज ने एक्टिव वेयर और आरामदेह और पुरसकून वज़ादार के दरमियान लाइनों को धुंधला कर दिया है, जिससे ख़वातीन को अंदाज़ की कुर्बानी के बग़ैर आराम को अपनाने की आज़ादी फराहम की गई है। बोल्ड प्रिंट्स, मुतहरिक रंग और इंतखाबी साख्तें और इसके साथ साथ फैशन के मंजरनामे पर हावी हैं, जो कि चंचलपन और इनफरादियत के एहसास के साथ मलबूस हैं। पैदारी भी एक महर्रिक क़ुव्वत के तौर पर उभरी है, जिसमें माहौल दोस्त कपड़े और अखलाकी तर्ज अमल ईमानदार सार्फीन के इंतखाब को तश्कील दे रहे हैं। ख्वा ये सनफी सयाल स्लेट बयान के लवाजमात या पुरानी यादों को अपनाने की बात हो, असरी रुझानात ख़वातीन को
दिलेरी और मुस्तनद तरीके से अपना इजहार करने की दावत देते हैं। ख्वातीन के फैशन की बेस्ट्री सकाफ्ती असरात के मतनू म्यूज़िक से माला माल है। हर एक अपने मनफरद रंगों नमूनों और रवायात को आलमी जमालियात में अपना हिस्सा डालता है। हिंदुस्तानी साड़ियों की पचीदा कढ़ाई से लेकर जापानी कैमन्यूज के बहते हुए सिल्वेट्स तक सकाफ़ती लिबास इंसानी वर्से और तख्लीकी सलाहितों की भरपूर टेम्पेस्ट्री में एक खिड़की पेश करते हैं। बढ़ती हुई एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में फैशन सकाफ़तों के दरमियान एक पुल का काम करता है, सकाफ़ती मुकालमे को फ़रोग देता है और तनु का जश्न मनाता है। अपनी अलमारियों के इंतखाब में सकाफ़ती इल्हाम को अपनाते हुए ख़वातीन रवायात का एहतराम करती हैं, आवाज़ों को वसअत देती हैं और उन्हें उनमें आवाज़ की पस्ती होती है और सरहदों से तजावज़ करने वाले रवाबित को रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। जमालियात से हटकर फैशन ख्वातीन को ख़ुद दरियाफ्त करने और ख़ुद इजहार ख्याल करने के सफ़र पर आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करता है। बाख्तियार बनाने और हौसला अफजाई करने की तब्दीली की ताकत रखता है। स्टाइल के ज़रिए ख्वातीन अपने जिस्मों पर एजेंसी का दावा करती हैं, ख़ुद मुख्तारी का दावा करती हैं, मआशरती असूलों और तवक्कोआत को चैलेंज करती हैं। फैशन इंडस्ट्री ने शमूलियत और जिस्मानी मुस्बत की तरफ एक मिसाली तब्दीली का मुआहदा किया है। ब्रांड्स ने खूबसूरती की मतनू नुमाइंदगी को कबूल किया है और सदाकत के फ़रोग दिया है। ज़्यादा साइज़ के फैशन से लेकर अनकूली लिबास तक ख्वातीन के फैशन का दायरा दुनिया भर में ख्वातीन की बेशुमार शक्लों साइज़ों और सलाहितों को एडजस्ट करने के लिए फैल रहा है। उनकी मुनफरिद शनाख्त को गले लगाकर और उनके मुनफरिद शख्सियत को पेश करता है और फैशन एक बहुत ही तेज़ी से बदलने का नाम है जो हर
موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور اپنے میں روز بروز تبدیلی کرتا رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیشن انسانی شخصیت کے لیے بہت اہم کردار بھی ادا کرتا ہے. فیشن ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے جنہیں ہم کسی بھی وقت اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں, اور برائے کرم اس میں کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کو پریشان نہ کریں. اگر آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے تو آپ ان کا تجربہ ضرور کیجئے گا, اور تجربہ کرنے سے کبھی بھی مت گھبرائیے گا, کیونکہ تجربے کے ذریعے سے ہی آپ اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ ہمیں اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں کون سا ڈیزائن پسند کیا ہے, اور اگر آپ اس سے مزید کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور ایڈ کر دیں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے خیالات کے مطابق ویڈیو بنائیں اور آپ کے سامنے اس کو پیش کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا کیجئے گا, دبا دیجئے گا تاکہ آپ کے پاس سب سے پہلے بنیادی جو کام ہے اس کی طرف آپ کا ذہن چلایا جا سکے. تو دوستو, آج ہمیں آپ ضرور آگاہ کریں گے, اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دوستو, نیکسٹ